देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन राज्यों में वैक्सीन की कमी की खबरें अभी भी सामने आ रही हैं। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आई है। वहीं डॉक्टर प्रवीण जड़िया का कहना है कि वैक्सीन की नई खेप इंदौर में शुक्रवार को आ जाएगी, जिसका उपयोग शनिवार और रविवार को किया जाएगा। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, ताकि कोरोना के सामने ब्रह्मास्त्र के रूप में मौजूद वैक्सीन को लगाने का काम तेजी से किया जा सके। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जल्द ही इंदौर में वैक्सीनेशन की स्थिति में सुधार होगा, या वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते स्थिति जस की तस बनी रहेगी। जब भी कोई काम करता है, अद्भुत करता है। गुड़गांव देश में प्रथम है और हमारा इंदौर 75,000 वैक्सीन लगी कि नहीं, एक दिन में 63 लगी, 68 लगी, 67 लगी। अब ये एक दिन में सब इसका भी समाधान हो जाएगा, वैक्सीन पर्याप्त मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि हमारा इंदौर जिस प्रकार से स्वच्छता में देश में नंबर वन आया है, क्योंकि इस कोविड की, इस कोरोना की सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र है वो वैक्सीन है, हम इसमें भी देश में नंबर वन आए। कल हमारे पास कोई वैक्सीन प्राप्त नहीं हुई थी और राज्य शासन के पास भी शायद अभी वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। कल एक वीसी का आयोजन किया गया था जिसमें MD NHM महोदया ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि वैक्सीन अभी फिलहाल अनुपलब्ध है और कल तक ही आएगी, यानी कल मीन्स आज शुक्रवार को हमारे पास वैक्सीन पहुँच जाएगी। कितनी मात्रा में पहुंचेगी, कौन सी वैक्सीन होगी, ये अभी हमें ज्ञात नहीं है, ये वैक्सीन प्राप्त होने के बाद ही बताया जाएगा। कल हमारे पास कुल 3,700 डोज थे, जिनके आधार पर हमने 10 सेंटर्स बनाए हैं और ये सभी में कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जा रहा है, एक या दो सेंटर्स पे कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज भी लगाया जा रहा है। अधिकांश अभी फिलहाल 2-4 दिन तक हमें 45+ पे सेकेंड डोज लगाने का काम करना है।